हेलो एवरीवन मैं चेतन मिश्रा आप सबों का वेलकम करता हूं अकेडमिक्स पर और अकेडमिक पर आपको क्लास नाइन्थ और क्लास के साइंस और मैथ्स की सारी वीडियोस मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट और यहां तक कि वीडियोस ही नहीं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस और फ्री टेस्ट भी मिलने वाले हैं इसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा अकेडमिक ऐप अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में जरूर बताएं इस चैनल पर आप बिना किसी पैसे के साइंस और मैथ्स को अच्छे से सीख सकते हैं आपको ट्यूशन करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी आपके ट्यूशन के पैसे बचेंगे और आपका भी फर्ज बनता है कि आप अपने मम्मी पापा के कमाए गए पैसों को ऐसे जाया ना होने दें अगर आपको ये चीज बिना पैसे के मिल रही है तो आप इसका फायदा जरूर उठाएं अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि हमारा चैनल आपके बीच में थोड़ा सा पॉपुलर हो ताकि हमें और मोटिवेशन मिले कि हम आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट लाते रहें मैं टीचिंग प्रोफेशन में पिछले लगभग आठ सालों से हूं मैं जो बच्चे आई की तैयारी करते हैं मैं उन्हें पढ़ाता हूं लेकिन मुझे लगा कि कहीं ना कहीं एक गैप रह गया है जहां पर बच्चे में आकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें अचानक से बहुत भारी भारी चीजें पढ़नी होती है तो मुझे लगा क्यों ना मैं एक लेवल नीचे जाऊं और जो नाइन्थ और टेंथ के बच्चे इवन क्लास एट के भी बच्चे हैं मैं उनके लिए भी वीडियो बनाऊंगा उनके लिए मैं कुछ क्वालिटी कॉन्टेंट यूट्यूब पर डाल दू ताकि उनको जो एक साइंस और मैथ्स के लिए थॉट प्रोसेस है वो उनका डेवलप हो जाए और इस चैप्टर इन सारे सब्जेक्ट्स को वो पसंद करना शुरू कर दें ओके okay? तो ये इनिशिएटिव है आई होप आप अपने दोस्तों को इसके बारे में जरूर बताएंगे वीडियो का लिंक है शेयर कर दीजिएगा अपने मम्मी पापा को कहिएगा कि वो अगर किसी और को जानते हैं जिनके बच्चे टेंथ में है उनको इस चैनल के बारे में जरूर बताए चलो हो गया इधर बहुत इधर बहुत सारी बातें हो गई अच्छा एक मिनट आप बोलना ना मुझे बहुत ऑफवर्ड लगता है मैं अपने स्टूडेंट्स को कभी आप नहीं कहता हूँ उसके पीछे कारण है क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा अपने छोटे भाई बहन की तरह मानता हूँ और उनके साथ फॉर्मेलिटी मेरे से नहीं की जाएगी बहुत सारे चैनल वाले आपको आप बोलते होंगे बट मैं नहीं बोलता हूँ मेरे तुम कस्टमर नहीं हो भाई मैं तुम्हें अपना छोटा भाई बहन अपना स्टूडेंट मानता हूँ तो मैं तुम्हें कह के बात करूंगा और लेकिन इस चैनल पर वो मजाक मजाक करके मैं टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा तुम्हारा यहाँ पर सीरियस लर्निंग के लिए ये स्पेस हमने बनाया है जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो कॉपी पेन लेके जरूर बैठे और राइट ठीक है तो और बाकी प्लेलिस्ट में तुम्हें साइंस की वीडियोज भी आ, मिलेंगे अगर नहीं है तो बहुत जल्दी आएंगे वो भी ओके okay? तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करना आते हैं मुद्दे की बात पर तो हमारा आज का टॉपिक है क्लास नाइन्थ चैप्टर नंबर वन जो है रियल नंबर्स और ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूं कुछ समय पहले मैंने क्लास टेंथ के लिए भी एक वीडियो बनाई है उनका भी चैप्टर नंबर वन रियल तो मतलब रियल नंबर है तभी ये क्लास टेंथ का भी पहला चैप्टर है और अगर हम यहीं पर अच्छे से नहीं सीख पाएंगे या यहीं पर हम इस चैप्टर से डर जाएंगे तो क्लास टेंथ में कहा से नंबर आएंगे भाई बोर्ड में जो सोच रहे हो नाइनटी नाइनटी फाइव हंड्रेड परसेंट का कहां से आएंगे यहीं से तो आएंगे ना बोल रहा हूं ना बात सही बिल्कुल तो रियल नंबर्स को हम अच्छे से यहां समझने की कोशिश करेंगे एंड मैं पूरी तरह से श्योर हूं कि सबको यह चैप्टर पढ़ने में बहुत मजा आएगा ओके okay, बहुत बढ़िया चलो तो हम जब सोचते हैं कि नंबर्स क्या होते हैं मैं तुमसे बोलूंगा अपने दिमाग में जल्दी से कोई नंबर सोचो तो क्या सोचोगे तुम किसी कोई बोलेगा सर मैंने तो सेवन सोचा, तो सोचा था मैंने तो फिफ्टी सोचा था मैंने तो माइनस ट्वेंटी सोचा था कुछ भी हो सकता है ठीक है लेकिन मैं अगर पूछू कि क्या इतने ही नंबर्स पॉसिबल है जो तुमने सोचे दिमाग में जितने नंबर सोच सकते हो सोचो वन टू थ्री फोर फाइव सेवन एट नाइन टेन चल रहा है दिमाग में लेकिन क्या इतने ही सारे नंबर्स होते हैं या और भी नंबर्स होते हैं नंबर्स और भी होते हैं इतने ही सारे सिर्फ नहीं होते हम सोच ही नहीं पाएंगे इतने सारे नंबर्स होते हैं देर आर इनफाइनाइट नंबर्स बोलोगे क्या वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट करते करते हम गिनते रह जाए क्या यही नंबर्स होते हैं नहीं मान लो किसी जगह का मैं टेम्परेचर पूछू तुमसे मान लो उस जगह का टेम्परेचर है 25.6 25.6 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया मतलब उस जगह का टेम्परेचर और मतलब 25 तो है लेकिन 25 से ज्यादा है लेकिन 26 भी नहीं है मतलब 25 26 के बीच में वटक गया मतलब नंबर हमारे पास डेसिमल वाले भी हो सकते हैं जरूरी नहीं कि हमारे पास प्रॉपरली सिर्फ इंटीजर्स ही हों बात समझ आ रही है माइक खुल के हम्म hmm. अब ठीक है बढ़िया मतलब तो हमारे पास नंबर्स जो है ना वो इंटीजर्स तो हो ही सकते हैं जीरो वन टू थ्री फोर माइनस फाइव माइनस इलेवन माइनस थर्टीन रैंडमली ट्वेंटी सेवन ये सारे तो पॉसिबल है लेकिन हमारे पास डेसिमल्स वाले नंबर भी पॉसिबल होते हैं मतलब मैं नंबर जो है ना माइनस वन पॉइंट फाइव थ्री टू ट्वेंटी कुछ भी लिख सकता हूँ ऐसे भी नंबर्स पॉसिबल होते हैं उसके बाद क्या होता है क्या हम कहेंगे कि इतने नंबर्स पॉसिबल है नहीं अच्छा फ्रैक्शन भी हम लिख सकते हैं जैसे इलेवन बाई सिक्स फोर बाय नाइन माइनस थर्टीन बाय सिक्सटी थ्री ऐसे भी पॉसिबल है नंबर्स तो हमने कहा कि क्या भैया सारे नंबर्स हमने कंसिडर कर लिए क्या पता क्या गारंटी है नहीं और भी टाइप हो सकते हैं नंबर्स के जैसे पाई रूट टू रूट थ्री माइनस रूट सेवन प्लस रूट फाइव टू रूट थ्री प्लस रूट सेवन ऐसे भी नंबर्स होते हैं तो अब इन सारे नंबर्स को अगर हम एक साथ मिला देना तो हम कहेंगे इतने सारे नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं इन सारे नंबर्स को इन सारे टाइप ऑफ नंबर्स को मतलब तो इन सारे नहीं इससे भी ज्यादा और भी सारे पॉसिबल है ये सारे इनफाइनाइट पॉसिबल है ठीक है इन सारे नंबर्स को ना अगर हम एक कैटेगरी में रखना चाहें तो वो कैटेगरी होती है रियल नंबर्स की जितने भी टाइप के नंबर तुम सोच सकते हो जो एग्जिस्ट करते हैं वो सारे आते हैं रियल नंबर्स की कैटेगरी में बराबर तो रियल नंबर्स की कैटेगरी में कैसे नंबर्स हो सकते हैं रियल नंबर्स को हम सिंपली दो ब्रॉड कैटेगरी कर सकते हैं पहली कैटेगरी क्या होती है पहली कैटेगरी होती है रैशनल दूसरी कैटेगरी होती है ए यहां पर मैंने जो पहले दो लाइन लिखे ना ऐसे टाइप के सारे नंबर्स आते हैं कौन सी कैटेगरी में रैशनल नंबर की कैटेगरी और जो सेकंड लाइन मैंने लिखा ऐसे वाले नंबर्स ये किस में आते हैं इरेशनल नंबर की कैटेगरीज में रैशनल और इरेशनल अंतर क्या है दोनों में रैशनल नंबर को हम p क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं मतलब एक नंबर बाय दूसरा नंबर इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं जैसे मतलब तुम बोलोगे 25.33 में कहां ऐसा है 25.33 को मैं 2533 100 भी तो लिख सकता हूं न? इसको मैं इस फॉर्म फर, में लिख सकता हूं तो जो भी नंबर एक नंबर बटा दूसरा नंबर ऐसे फॉर्म में एक्सप्रेस हो सके उसे हम कहते हैं रैशनल नंबर राइट तो ध्यान देना ना हो हो जाए अनर्थ हो जाएगा ठीक है चलो आ, बढ़िया और सेकेंड है नंबर्स नंबर्स को ना हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते अब बोलोगे सर थ्री के नीचे कहां कुछ है अरे कोई बात नहीं जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है वन होता है ठीक है तो कुछ नहीं है तो 1/1 तो होगा ही तो वो भी रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में आएगा तो न, रियल नंबर्स हो गए सारे नंबर्स उनमें दो कैटेगरी हो गई रैशनल हो गई और इरेशनल हो गई यहां तक क्लियर है तो बोलो और बीच में ना कमेंट करके बता देना मुझे अच्छा लगेगा मजा आ रहा है ना तो कमेंट में बता देना ओके चलो भाई क्या पता मैथ साइंस में तो तुम्हारे अच्छे दिन आ जाए अब ठीक है इससे तो पक्का समझ में आएगा लिख के ले लो लिख के ले लो समझ में आएगा क्या है ये नंबर्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था ना कौन सी कैटेगरी ये जो इस इस तरफ का बलून दिख रहा है ना तुम्हें बहुत सारे ये हो गए रैशनल वाले और इस तरफ है इेशनल मतलब नंबर्स या तो रैशनल हो सकते हैं या इेशनल हो सकते हैं ठीक है थीके? अब कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ अलग होता है उसकी बात अभी नहीं करेंगे जो लोग सीखना चाहते हो नंबर्स भी एक और कैटेगरी होती है नंबर्स में रियल uh, नंबर और कॉम्प्लेक्स रियल में रैशनल ये जो कॉम्प्लेक्स इशनल है ना थोड़ा सा क्लास इलेवंथ की चीज है लेकिन जिसको थोड़ा सा भी जानना है ना इसके बारे में कमेंट करके बताना मुझे कभी बात करेंगे इसमें बहुत मजा आएगा ठीक है हमने भैया अभी कहा कि हमें रियल नंबर से मतलब है हम गरीब जनता है हमें रियल नंबर से ज्यादा जानना ही नहीं है ओके <laughs> तो नंबर्स क्या हो गए तुम्हारे यहाँ पे रैशनल हो गए और इेशनल हो गए ठीक है रैशनल नंबर में भी काफी सारी कैटेगरीज होती है क्या क्या कैटेगरीज होती हैं राशनल नंबर्स में तुम्हें जो राशनल नंबर्स होते हैं ना इसमें तुम्हें इंटीजर्स मिलेंगे जैसे राशनल नंबर है मैं लिखता हूं सेवन बाई थ्री ये इंटीजर नहीं है लेकिन जिसके बटा में वन हो ना वो क्या होता है इंटीजर होता है ठीक है तो राशनल नंबर में चलो मैं इसमें एक कैटेगरी देता हूं इसी में हमें इंटीजर्स में मिलेंगे ठीक है रैशनल नंबर में हमें इंटीजर्स भी मिलेंगे और रैशनल नंबर फ्रैक्शन तो है ही बटा मतलब जिसके बटा में नीचे में वन ना हो वो भी नंबर्स मिल सकते हैं जिसके बटा में नीचे वन हो वो भी मिल सकते हैं तो ये सारे जितने फ्रैक्शन के फॉर्म में तुम लिख सकते हो ना वो सारे हो गए रैशनल नंबर्स राइट कोई भी नंबर सोच लो जैसे मान लो कुछ भी करते हैं 5732141 डिवाइडेड बाई टू थ्री वन टू फोर सिक्स वन थ्री एट नाइन माइनस भी लगा देते क्या ये रैशनल नंबर है बिल्कुल है भाई एक चीज बट्टा दूसरा चीज खत्म रैशनल नंबर ठीक है अच्छा मतलब यहां पे डॉट वॉट नहीं होना चाहिए यहां टू फाइव नहीं होना चाहिए इसको हमें प्रॉपरली लिखना मतलब उसको नीचे करते हैं ऐसा हाँ। नहीं कि यहां पे पॉइंट थ्री मतलब पॉइंट वॉइंट नहीं होना चाहिए यहां पे भी इंटीजर होना चाहिए नीचे भी इंटीजर होना चाहिए अगर हम यहां प्लस यहाँ प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है ये हो गया तो नंबर है। जो नंबर इस फॉर्म में नहीं आ सकते हैं उनको हम कहते हैं तो इंटीजर, इंटीजर भी होते हैं नेगेटिव वाले भी होते हैं लेकिन अगर हम सॉरी सॉरी यहाँ उल्टा हो गया उल्टा हो गया यहाँ होल नंबर होगा इधर अच्छा 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 यहां पे लिखने में गलती हुई है सॉरी यहां पर रहेगा इंटीजर्स ठीक है यहां पर रहेगा होल नंबर्स और उसके अंदर रहेगा नेचुरल नंबर्स प्लीज करेक्ट मुझे भी लग रहा था कुछ गड़बड़ है हाँ यहां पर तो रैशनल नंबर्स में इंटीजर एक उसका पार्ट है मतलब सारे रैशनल नंबर्स इंटीजर नहीं होंगे लेकिन सारे इंटीजर होंगे रैशनल नंबर्स ठीक है फिर इंटीजर में क्या होगा इंटीजर में हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे और नेगेटिव इंटीजर्स होंगे अगर मैं इंटीजर्स को लिखूं माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन इधर भी सो so ऑन तो जीरो से आगे जो ये होते हैं ना ये सब क्या बन जाते हैं होल नंबर्स ठीक है और वन टू थ्री फोर जो होते हैं ना ये क्या हो जाते हैं नेचुरल नंबर्स बराबर ओके तो नेचुरल नंबर्स जो होते हैं ना वो होते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सेवन एंड नाइन टेन आगे होल नंबर्स जो होते हैं वो जीरो से लेकर जितने नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो सारे हो जाते हैं होल नंबर्स बराबर ये तो सबको पता ही था और इंटीजर्स में भी क्या होता है इंटीजर्स में भी तुम्हें फिर बाद में मिलेगा प्राइम नंबर्स प्राइम क्या मतलब प्राइम किसका पार्ट हो गया आई थिंक नेचुरल नंबर का जो नेचुरल नंबर्स होते हैं ये हो गए प्राइम ठीक है भैया कॉम्पोजिट प्राइम क्या हो गए ऐसे नंबर्स जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स हो या तो वन या वो खुद uh, क्या हो जिसके दो से ज्यादा हो, हो तो इतना अगर समझ तो कोई दिक्कत ही नहीं है वो थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया था उसको सुधार के लिख लेना नोट्स में ठीक है मतलब इसके मतलब इसके अंदर एक छोटा गोला बनाने का मतलब क्या हुआ ये हो गया मान लो रैशनल नंबर्स मैंने छोटा सा गोला बनाया यहाँ पे अगर मैंने इंटीजर्स लिखा मतलब ये रैशनल नंबर का एक छोटा सा कैटेगरी क्या है इंटीजर है ठीक है जैसा इंडिया का मैप बनाती है उसमें बिहार का छोटा सा नक्शा है तो मतलब क्या हुआ इंडिया का सारा जमीन तो बिहार नहीं हुआ ना लेकिन बिहार की सारी जमीन इंडिया की हुई उस तरह से हम लोग सोच रहे हैं ठीक है चलो फिर आते हैं रैशनल नंबर्स पे रैशनल नंबर्स क्या है ऐसे नंबर्स जो p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस हो सके पी और क्यू क्या है पी एन क्यू आर इंटीजर्स राइट और Q की वैल्यू क्या नहीं है Q की वैल्यू जीरो नहीं है अगर इस तरीके से हम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर पाए तो वो नंबर्स क्या हो गए रैशनल नंबर्स हो गए एग्जांपल बोलो वन बाय फोर माइनस थ्री बाय माइनस भी हो सकता है माइनस थ्री बाय सेवन हंड्रेड वन बाय ट्वेंटी वन सेवन माइनस हंड्रेड राइट जीरो ये सब जीरो बाय वन लिख सकते हैं ये सब क्या हो गए नेचुरल नंबर्स हो गए सॉरी रैशनल नंबर्स हो गए नेचुरल नंबर नहीं ये सब क्या हो गए रैशनल नंबर्स ओके तो क्या है राशनल नंबर का डेफिनेशन डेफिनेशन लिख सकते हो ऐसे सारे नंबर जिनको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके क्यू जीरो नहीं होना चाहिए पी और दोनों इंटीजर होने चाहिए। ये हो गया नंबर। ठीक है बढ़िया चलो ये एनसीईआरटी का है मुझे लगा कि ये काफी काम का, काम का हो सकता है तो मैंने इसको ले लिया एनसीईआरटी में ये सवाल पूछा गया सबसे पहला सभी लोग जवाब देंगे आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स राइट रीजन एवरी होल नंबर क्या सारे whole numbers, natural number भी हैं? क्या है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कहा गया कि सारे होल नंबर्स क्या नेचुरल नंबर्स भी हैं? इस बेचारे का क्या होगा क्या ये होल नंबर तो है क्या ये नेचुरल नंबर भी है नहीं तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया गलत हो गया एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर क्या सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर है बिल्कुल कोई भी इंटीजर ले लो बाई वन तो लिखना पड़ेगा तो पी वाई क्यू के फॉर्म में आ गया क्यू जीरो भी नहीं है काम खत्म सारे इंटीजर हो गए रैशनल नंबर है और तीसरा एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर सारे रैशनल नंबर इंटीजर है क्या ऐसा होगा बिल्कुल सारे राशन नंबर इंटीजर होंगे मुझे लग रहा तुम्हें क्या लग रहा है नहीं जरूरी नहीं है सारे राशन इंटीजर हो इंटीजर होने के लिए नीचे का डिनोमिनेटर वन होना चाहिए राशनल नंबर्स में जरूरी नहीं है कि डिनोमिनेटर वन हो तो ठीक है तो यह कहना सही नहीं है तो सेकंड स्टेटमेंट सही था फर्स्ट और थर्ड गलत था मजा आया यहां तक अगर थोड़ा भी डाउट लग रहा हो तो यहां से शुरू से यहां तक फिर से देख लेना ताकि अच्छे से तुम्हें क्लैरिटी मिल जाए उसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं राइट तो देखो एक बार पूरा चैप्टर पढ़ लोगे ना तभी लगेगा कि अरे यार ये तो समझ में ही नहीं आया तब तक काफी देर हो चुकी होती है चैप्टर भी खत्म हो चुका होता है थोड़ा मोटिवेशन भी कम हो जाता है तो हमें क्या करना है ना हमें स्टेप बाय स्टेप पे चेक करना है क्या यहां तक हमको क्लियर हो गया क्या यहां तक हमको क्लियर हो गया तो हर स्टेप में हम चेक करते हुए जाएंगे ठीक है

बहुत बढ़िया आगे क्या होगा इेशनल नंबर्स इर नंबर्स कैसे नंबर होते हैं इेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते दिस कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेर पी एन क्यू आर इंटीजर्स नहीं कर सकते कैसे नहीं कर सकते uh, मैं दिखाता हूं जैसे रूट टू है रूट टू को क्या लिखोगे रूट टू बाई वन क्या ये इंटीजर हुआ ये इंटीजर नहीं हुआ वन तो चलो भले इंटीजर लेकिन रूट टू इज नॉट एन इंटीजर तो इसको हम P Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते और और एग्जांपल पाई क्या है पाई बोलोगे सर पाई तो ट्वेंटी टू बाई सेवन होता है पता है हमको हम पढ़े हैं अरे बाबा पाई ट्वेंटी टू बाई सेवन नहीं होता बहुत बड़ी गलती मतलब तो धोखा हुआ है तुम्हारे तो साथ किसी ने बोला है तो पाई की वैल्यू

मतलब तो कुछ 1.4 बड़ा 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 बहुत कुछ चलता आगे राइट इसी को लिखोगे ना रूट टू को ये हो गया वन पॉइंट फोर वन फोर टू वन खत्म ही नहीं होगा ठीक है तो ऐसे नंबर्स जिनको हम p वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर सके वो सब क्या हो जाएंगे इेशनल हो जाएंगे हाँ काफी बोला मैंने इतना आई होप सबको थोड़ा बहुत समझ में आया ओके okay? ये टाइप का सवाल ना इधर होता है, ये सवाल कुछ भी हो सकता है मतलब रूट एक्स को नंबर पे दिखाओ भाई पहले तो टू बाई फाइव थ्री बाय फाइव ये सब दिखाते थे अब रूट एक्स दिखाए नंबर लाइन पे कितने बुरे दिन आ गए सोचो बुरे दिन नहीं आए तुम्हारे मैं आसान तरीका बताता हूँ मजा आएगा कभी भी रूट एक्स को नंबर लाइन पर डालना हो पता है क्या करना है कुछ नहीं करना है एक्स यूनिट का एक लाइन बना दो लाइन से, से बना दो राइट ये लाइन की लंबाई जो है ना ये एक्स यूनिट इतना तो कर सकते हो ना ठीक है ये इसका एक एंड हो गया ये हो गया दूसरा एंड अगला काम जो करना है वो ये करना है इस लाइन को एक यूनिट आगे बढ़ा दो क्या करना है इसको एक्सटेंड दिस बाय वन यूनिट एक यूनिट से बढ़ा देंगे तो ये लाइन की लंबाई कितनी हो गई यहां से लेकर यहां तक इस लाइन की लंबाई हो गई x प्लस वन यूनिट ठीक है भैया x प्लस वन यूनिट इस लाइन की लंबाई हो गई अब क्या करना है बहुत ही मजेदार काम है यहां पे और यहां पे इसको एंड मान के इसका मिड पॉइंट निकाल ये क्या निकाला हमने हमने निकाला मिड पॉइंट ठीक है भाई तो मिड पॉइंट का distance, अगर हम इसको r कहते हैं ये भी अगर हम आर कहते हैं तो क्या हम लिख सकते हैं टू आर की वैल्यू एक्स प्लस वन के बराबर मतलब आर कितना आ जाएगा आर आ जाएगा एक्स प्लस वन बाय टू ठीक है एक्स प्लस वन बाई टू यहाँ आर की वैल्यू है अब हमें कुछ नहीं करना है इसको मिड पॉइंट को सेंटर मानते हुए एक सर्कल खींच दो एक सर्कल हमें बना देना है जो कहाँ से पास करे इन एंड से पास करे इसको थोड़ा मान लो नीचे करते हैं इसके अंदर कर देते हैं मिड पॉइंट को मैं मिटा दूं ये मैंने नीचे बनाया हुआ है तो बस यहां ऐसे बनाता हूं यहाँ पर एक सर्कल हम बनाने की कोशिश करेंगे देखते हैं कितना बनता है राइटिंग पैड पर तो थोड़ा मुश्किल ही होता है इस एंड से पास करेगा समझ में आ रहा है ना क्या कर रहा हूं मैं इसको मिड पॉइंट मान के आर रेडियस का मतलब एक्स प्लस वन बाई टू रेडियस का हम एक सर्कल खींच देंगे ठीक है अब क्या करेंगे सर्कल खींचने के बाद हम क्या करेंगे जो पॉइंट ये था ना जहां पर x यूनिट हो रहा था यहां पे खींच दो एक वर्टिकल लाइन मजेदार बात बताऊं ये वर्टिकल लाइन हो जाएगा रूट एक्स यूनिट का ऐसे ऐसे कैसे हो गया सिंपल तरीका है क्या है ये देखो ये होगा राइट एंगल ठीक है इसको मैं कहता हूं ए इसको कहता हूं ओ इसको कहता हूं बी ओ ए क्या हो जाएगा आर हम पाइथागोरस सिरम से क्या लिख सकते हैं बे स्क्वायर मतलब ओबी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा ओ ए स्क्वायर के बराबर ठीक है ये हो गया ओ ए स्क्वायर के बराबर तो अब क्या करेंगे हम ओ बी के हम जानते हैं जानते तो हैं OB मतलब क्या हो गया मतलब इसको अगर हम एक्स कहते तो एक्स बी माइनस एक्स ओ ओ बी हम लिखेंगे ये हो गया एक्स बी माइनस एक्स ओ एक्स बी कितना है एक्स के बराबर एक्स ओ कितना है एक्स प्लस वन बाई टू के बराबर तो ये कितना हो गया ओ बी की वैल्यू ये चेक करो ये आ रही है एक्स माइनस वन बाई टू इसको कर दो पुट माइनस वन बाई टू का स्क्वायर प्लस ए बी क्या है ए बी मान लो हमको पता ही नहीं इसको हम वाई बोलते हैं थोड़ी देर के लिए इसको लिखते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू ओ ए तो रेडियस हो गया एक्स प्लस वन बाई टू स्क्वायर अब तो सॉल्व ही करना है ना कर लेते हैं क्या जा रहा है अपना वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी एक्स प्लस वन बाय टू होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन बाय टू होल स्क्वायर बढ़िया क्या बैठ रहा है आर एच एस टू का स्क्वायर तो फोर ले सकते हैं कॉमन पहला क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन ये मेरे पीछे तो नहीं आ रहा है इसको थोड़ा करते हैं साइड। इसको करते हैं थोड़ा ऊपर वैसे मैं नीचे डायग्राम में तुम्हें दिखाऊंगा तो यहां से क्या मिल रही है वाई स्क्वायर की वैल्यू चेक करो वाई स्क्वायर की वैल्यू मिल रही है कट उठा के कितना हो गया एक्स मतलब वाई की वैल्यू कितनी आ गई रूट एक्स मतलब ये जो वर्टिकल लाइन यहां से जाएगा ना देखो तो यहां देखो जहां तक व्हाइट लाइन है ये तुमने एक्स लेंथ का ये बनाया था ये है वन यूनिट का ठीक है यहां से यहां तक तुमने बनाया एक्स यूनिट का और इधर जो है ना ये जो हमने वर्टिकल बनाया यहां से ये ये बना दिया ये बन गया एक्स यूनिट का सॉरी ये बन गया कितने यूनिट का अभी हमने देखा ये बन गया रूट एक्स यूनिट का अब इसको नंबर लाइन पे कैसे दिखाएं नंबर लाइन तो ये है ना अब इसको कैसे दिखाएंगे अब ये लेंथ रूटेक्स है तो मैं क्या करूंगा मैं वो प, आ, ये प्रोटेक्टर होता है ना ये वाला रुको बनाने की कोशिश करता हूँ कितनी घटिया ड्रॉइंग है ये जो होता है जिसमें एक तरफ क्या होता है एक तरफ वो सुई जैसी बनी होती है और एक तरफ क्या होता है यानी कितना घटिया बनेगा यहाँ पेंसिल लगाने वाला होता है बना हुआ ये पेंसिल समझे किसकी बात कर रहा हूं लेना है ठीक है इसका ये जो पिन है ना पी पिन को कहा रखेंगे इसके पिन को रखेंगे यहां पर पी और ये जो पेंसिल है ना पेंसिल को मान लो मैं कहता हूं जेड ये पेंसिल है पेंसिल को क्या करेंगे यहां रखेंगे Z और फिर क्या करेंगे इसको ऐसे ऐसे करके घुमाएंगे 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 और यहां मार देंगे कट क्या करेंगे यहां पर कट मार देंगे तो क्या हुआ अगर हम इसको जीरो कहेंगे तो ये तो एक सर्कल हो गया ना यहां से यहां तक तो अगर ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगा यहां से यहां मतलब ये पॉइंट क्या हो गया रूटेक्स खत्म मतलब क्या है एल्गोरिथम फिर से फिर से फिर से फिर से फिर से दिमाग से निकलना जाए संभाल कर रखो। X को मुझे करना, मुझे रूट 5 को करना है, जल्दी -जल्दी है। पांच यूनिट की एक लाइन बना लेंगे मान लो ये कहते हैं 5। फिर क्या करेंगे फिर क्या करेंगे एक यूनिट इसको बढ़ा देंगे यहां से यहां तक फाइव था इसको वन यूनिट और हम बढ़ा देंगे तो ये हो गया वन अब इसका सेंटर ले लेंगे सेंटर से खींच देंगे एक सर्कल 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 ये बन गई सर्कल अब ज्योमेट्री बॉक्स से तो बना ही सकते हो ना इतना इतने तो होशियार हो सब लोग अब क्या करेंगे यहां से खींच देंगे वर्टिकल लाइन यहां से यहां से यहां से यहां से खींच देंगे वर्टिकल लाइन ये क्या हो जाएगी रूट फाइव अब यहां पर पेंसिल रख के घुमा दे इसको ऐसा जहां इस लाइन को कट कर जाए ये पॉइंट हो जाएगा रूट अगर ये जीरो है तो

क्या आ गया थ्री कट गया इधर पॉइंट डालेंगे ठीक <coughs> है पॉइंट डालेंगे तो फिर क्या करें इसमें फोर से करें मल्टीप्लाई फोर से नहीं थ्री से करेंगे यहाँ थ्री तो मत मान लो थर्टी हो गया थ्री uh, से करेंगे तो ट्वेंटी फोर नीचे आ गया सिक्स ठीक है भैया यहां कट गया अब क्या करें सिक्स है तो एक जीरो और ले आएंगे हम सिक्सटी एट सेवन फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सिक्स फाइव सिक्स फोर जीरो और ले आते हैं 8, 40, 0. तो आंसर क्या आ गया नाइन क्या लिखेंगे टू पॉइंट थ्री सेवन फाइव मजाइंग ऐसे करके हम p वाई क्यू को कन्वर्ट करते हैं कौन से फॉर्म में डेसिमल वाले फॉर्म में राइट डिवाइड कर देना आराम से आ जाएगा बहुत बढ़िया इलेवन बाय थ्री को करेंगे एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट इलेवन बाय थ्री को करेंगे जल्दी करेंगे जिसको करना है वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हो लेकिन मैथ कर लेना ठीक है उल्टा पुलटा मत करना अच्छा यहाँ लिखेंगे थ्री यहाँ लिखेंगे इलेवन तीन बार में कटेगा तो नाइन टू आ गया डेसिमल डाल दें जीरो आ गया सिक्स एटीन टू फिर जीरो ले आएंगे थ्री सिक्स एटीन फिर जीरो आएंगे एटीन टू एक मिनट एक मिनट एक मिनट हमसे कहीं गधा मजदूरी तो नहीं कराई जा रही है क्या मुझे पता है कि हर बार यहां पर सिक्स ही आना है तो ये डिवीजन तो कभी खत्म ही नहीं होगा ये तो फंस गए में ट्वेंटी आया फिर थ्री करेंगे सॉरी सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे थ्री को एटीन होगा फिर टू बचेगा फिर वही काम ये तो इन्फिनेटी तक जा रहा है डिविजन कभी नहीं खत्म होगा ऐसे भी डिविजन होते हैं जो कभी खत्म नहीं होंगे मतलब को जाओ, 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 कोई दिक्कत नहीं है मतलब सिक्स खत्म ही नहीं होगा छे, छे 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 चलता ही चलेगा कितना लिखोगे सारा नहीं लिखना है क्या करना है हमको इसको लिखने का एक तरीका होता है थ्री पॉइंट सिक्स पर चढ़ा देंगे एक छत इसको क्या बोलते हैं हम इसको ऊपर बोलते हैं रेकरिंग आर ई सी यू डबल आर आई एन जी रेकरिंग रेकरिंग मतलब क्या हुआ ऐसी चीज जो रीअर हो रही है मतलब आती जा रही है आती जा रही है आती जा रही है उसको कहते हैं हम रेकरिंग थ्री पॉइंट सिक्स 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 ऐसा चलता रहेगा ये और ये क्या बन गया एलेवन बाई थ्री तो ऐसे भी कुछ केसेस हो सकते हैं रैशनल नंबर में जहां पर डेसिमल के बाद इनफाइनाइट डिजिट्स हो डेसिमल के बाद इनफाइनाइट डिजिट्स पॉसिबल हैं नंबर में भी पीछे मतलब पिछले लिखे थे तो क्या था यहां पर डिजिट्स खत्म हो गए थे ठीक है इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग मतलब क्या हुआ टर्मिनेटिंग मतलब हो गया कि मतलब वहां पर जाकर वो खत्म हो जाता है टर्मिनेट होना मतलब खत्म होना ठीक है लेकिन ये सब क्या हो गया मतलब यहां पर है नॉन टर्मिनेटिंग ये रिपीट भी हो रहा है तो इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग एंड रिपीटिंग ओके चलो तो, तो एक केस आता है रिमाइंडर बिकम जीरो जैसे हमने ये लिया था ना Uh, जैसे मान लो सेवनटीन बाई एट लिया था हमने तो डिवाइड करते करते क्या हुआ था इसमें रिमाइंडर थोड़ी देर के बाद जीरो रिमाइंडर जीरो. तो जीरो, तो जीरो हो जाता है ना तो यहां पर जो हमें दिस इज यहां पर मिलेगा टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले केसेस मिलेंगे मतलब जैसे मान लो मैंने लिखा थर्टी टू डिडेड बाई फाइव ये कितना हो जाता है सिक्स पॉइंट फोर ये क्या है टर्मिनेटिंग टर्मिनेट हो गया यहां पर रिमाइंडर आखिरी में जीरो बचेगा ठीक है कुछ भी ले सकते हैं मान लो हंड्रेड सेवेंटीन डिवाइडेड बाई फिफ्टीन फिफ्टीन ले लें ना ट्वेंटी लेते हैं मान लो तो इसमें क्या हो जाएगा ट्वेंटी तो ट्वेंटी फाइव आर हंड्रेड फाइव पॉइंट एट फाइव टर्मिनेट हो गया तो ऐसे नंबर्स हमेशा होते हैं rational. इनको क्या कहते हैं हम? और सेकेंड केस है, है जब रिमाइंडर जीरो नहीं होता है रिमाइंडर जीरो कब नहीं हो रहा है जैसे जो हमने देखा इलेवन बाई थ्री कितना होता ही है थ्री पॉइंट मतलब ये डिविजन खत्म ही नहीं हो रहा है चलता ही चला जा गया वन बाय थ्री क्या होगा जीरो पॉइंट थ्री 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 चलता ही जाएगा खत्म ही नहीं होगा जैसे हो गया मान लो इलेवन बाय सेवन ये भी क्या है सेवनटीन बाय सेवन लेते हैं कितना आता ही है ये टू पॉइंट फोर टू अच्छा एक जादू दिखाऊं इसमें इस बोर्ड में कैलकुलेटर भी सेवनटीन बाय सेवन करेंगे ना इक्वल टू 2.4286 और ये देखना ये चीज़ रिपीट होती जाएगी तो जीरो तो आ गया सेवन फोर ट्वेंटी टूर फोर्टीन फोर्टीन सिक्स आया सेवन एट फिफ्टी सिक्स तो फिफ्टी सिक्स लिखेंगे फोर फोर्टी uh, हुआ तो सेवन फाइव थर्टी फाइव ठीक है सो थर्टी फाइव हो गया सो so यहां पर फाइव आ गया जीरो तो सेवन सेवन जै फोर्टी नाइन फोर्टी नाइन रिपीट तो नहीं हुआ टू वन ठीक है और फिर जीरो लाएंगे तो सेवन वन मेरे सर के पीछे आ गया सेवन वन सा सेवन यहां आ गया थ्री देखते हैं, कुछ रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है थ्री हो गया गया रिपीटेशन आ गया। एट टू, जीरो, देख रहे ये जो तुम डिवाइड करोगे तो ये फोर टू एट फाइव सेवन वन फोर टू एट फाइव सेवन वन ये चीज यहाँ रिपीट होती जाएगी फोर टू एट फाइव सेवन वन ये रिपीट होता जाएगा तो इस पर चढ़ा दे यहां पर रैकनिंग पर चढ़ेगा थ्री पर यहां पर रैकनिंग किस पे चढ़ेगा सिक्स पर तो ऐसे वाले क्या होते हैं इनको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग वाले जो डिसम्बल्स होते, है होते हैं ना ये भी रैशनल होते हैं ठीक है लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जैसे मतलब तुम्हारा तो चलो ये पहले यहां तक तो देख लेते हैं तो ये हो होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नॉन-टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग ये भी होते हैं क्या रैशनल नंबर ठीक है लेकिन यहां पर एक केस आता है या चलो इेशनल को देखेंगे बाद में पहले यहां पर देखो कहा गया कि इसको क्या हम पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं या हम लिखेंगे एक्स को क्या लिखेंगे जीरो पॉइंट थ्री 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 इसको टेन से मल्टीप्लाई कर दो टेन से करेंगे तो क्या हो गया ये थ्री पॉइंट थ्री 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 हो जाएगा हमारा एम होना चाहिए कि डेसिमल के बाद सेम चीज बचे या तो टेन से मल्टीप्लाई करने पे भी वही वही चीज बच रही है ये होगा वन ये होगा टू टू में वन को माइनस कर दोन एक्स माइनस एक्स क्या हो गया नाइन एक्स आर एच एस में क्या होगा ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा ना माइनस करने पे इसलिए हम माइनस कर रहे थे तो आर एच एस में थ्री हो गया तो नाइन एक्स बराबर थ्री एक्स बराबर वन बाई थ्री ठीक है मतलब ठीक है इसको क्या पीवाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो आंसर है यस हम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते तो एक्स को यहां लिखेंगे ऐसा चलेगा मैं यहां पर टेन एक्स निकालूंगा ना तो एक दिक्कत हो जाएगी क्या दिक्कत होगी एक मिनट बैटरी लो लैपटॉप की बैटरी लेकिन मेरी नहीं है एक सेकंड रुक जाओ हाँ। 10x 10x क्या करें हम 10x के लिए हम ये करेंगे दैट 1.272727 है ना अगर हम 10x करेंगे तो ये 12.727272 ये हो जाएगा तो ये तो 2727 है ना ये बन गया 727272 राइट right. तो इसलिए हम यहाँ 10 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हमारा एम होगा कि हम 2727 को ऐसे ही छोड़ दें तभी तो माइनस करने पे कटेगा ना तो हम क्या करेंगे यहां पर ना हम 10x नहीं निकालेंगे इस केस में वी विल कैलकुलेट 100x 100x निकाल ले तो क्या हो गया 127.272727 एंड सो ऑन ऑलराइट अब कर दो दोनों को माइनस क्या फायदा हुआ डेसिमल के बाद जो यहां पर है वही यहां पर है है कि नहीं बिल्कुल कर दो माइनस 99x इस तरफ हो गया RHS में क्या हो गया 127 minus 1 126 बस x की वैल्यू कितनी 126 by 99 कटेगा क्या 3 से 33 42 11 14 तो आंसर क्या हो गया 14 by 11 तो ये भी p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है मजा आया तो बस देखना कि डेसिमल के बाद ना सेम तरह की चीजें यहां बचनी चाहिए बहुत अच्छे चलो मैं कर ट्राई करोगे सब लोग ये सवाल मैं सबको एज एन एच डब्ल्यू छोड़ता हूं सब लोग सॉल्व करके मुझे कमेंट्स में बताओगे राइट क्यू का फॉर्म क्या है कमेंट चेक करूंगा नंबर ये भी सवाल पूछा जाता है एक इरेशनल नंबर ढूंढना है वन बाय सेवन और 2 बाय 7 के बीच में 1 बाय 7 और 2 बाय 7 के बीच में एक अराशियल नंबर ढूंढना है कैसे ढूंढें देखते हैं 1 बाय 7 और 2 बाय मतलब 1 और 2 1 और 2 के बीच में एक अराशियल नंबर क्या हो सकता है रूट 2 रूट 2 इज एन अराशियल नंबर बिटवीन 1 एंड 2 ठीक है बढ़िया तो सबको क्या बाय सेवन कर दें तो देवन और वन बाय सेवन के बीच में दिस इज एन इशनल नंबर रूट टू बाय सेवन कैसे हुआ अब बोलोगे सर ये तो रैशनल हो गया नहीं हुआ यहां पर ऊपर में भी इंटीजर चाहिए ना रूट टू इंटीजर नहीं है और नीचे सेवन है कुछ भी करके इसको तुम इंटीजर बाय इंटीजर के फॉर्म में नहीं ला सकते हो काम खत्म ये क्या हो गया क्लासीफ नंबर और इैशनल पहचानने एक चीज में और बता दू जैसे कहा गया कहा गया कहा गया कहा गया यहां पर तुमने देखा ये जो रैशनल नंबर होते हैं ना इनमें या तो डेम्बल के डिजेट टर्मिनेट हो जाते हैं या फिर टर्मिनेट नहीं होते हैं लेकिन रिपीट होते हैं लेकिन मैं अगर पाई को लिखू ना थ्री पॉइंट करते हैं वैल्यू ऑफ पाई याद है बताना कमेंट में लिख के गूगल करके कॉपी मत करना वैल्यू ऑफ पाई थ्री पॉइंट वन फोर वन फाइव नाइन और भी हैं ये रांडम्ली, ये ये होते हैं यहां पे इसको क्या कहेंगे है? ये टर्मिनेटिंग तो है लेकिन ये नॉन रिपीटिंग भी है को याद भी है ये वन पॉइंट फोर वन फोर टू वन थ्री फाइव डॉट 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 नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीट भी नहीं हो रहा है ऐसा कभी दिखे ना ये हो जाते हैं Irrational. हम decimal के बाद ही बता सकते हैं कि ये irrational है. Right. तो क्या है। और जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग टर्मिनेट भी नहीं हो रहा हो रिपीट भी ना हो रहा हो तो कहेगा भाई इशनल रैशनल नहीं मानेंगे उसको राइट right. तो अब आते हैं इस सवाल पे जो मैंने कहा गया कहा गया, गया ये classify the following as rational or irrational root 23 perfect square तो नहीं है ना क्या हो जाएगा irrational root 225 ये तो 15 हो जाता है rational हो गया 0.3796 decimal रुक गया ना terminating rational हो गया 7.478478 मतलब 478478 तो रिपीट हो रहा है भले इनफिनिटी तक जा रहा हो ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग क्या बन गया ये रैशनल नंबर बन गया नंबर फाइव देखो ये क्या रिपीटिंग लग रहा है वन जीरो वन जीरो जीरो वन ट्रिपल जीरो वन पे चार जीरो रिपीट थोड़ी हो रहा है रिपीट कब होता जब ये होता वन पॉइंट जीरो रिपीटिंग हुआ लेकिन यहां पर रिपीट ये प्रॉपरली नहीं हो रहा है क्या हो रहा है ये टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड इट इज नॉट रिपीटिंग ये क्या हो जाएगा ठीक है तो ये सेकेंड चेक पॉइंट आ गया उम्मीद कोशिश करोगे यहां तक जो पढ़ाया गया है वो चीजें तुम्हें अच्छे से समझ में आ गई बराबर आगे बढ़ते हैं सक्सेसिव मैग्निफिकेशन ये क्या है विजुअलाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5.37 पॉइंट थ्री सेवन ऑन द नंबर लाइन अपाइव प्लेसेज ऑफ दू फाइव पॉइंट थ्री सेवन को ना हमको दिखाना है नंबर लाइन पर तो क्या करेंगे एक नंबर लाइन पहले बनाएंगे घर से बाहर जाना है तो क्या करेंगे अरे ऑटो तो पकड़ेंगे ऑटो बैठेंगे तो ये हम ऑटो पे बैठ रहे हैं पहले 5.37 क्या ये फाइव और सिक्स के बीच में होना चाहिए बिल्कुल ये फाइव और सिक्स के बीच में होना चाहिए कहां पर होना चाहिए मान लो हम इसमें ये करें फाइव पॉइंट वन फाइव पॉइंट टू चलो इसको लिखते हैं फाइव पॉइंट वन ये फाइव पॉइंट टू फाइव पॉइंट थ्री फाइव पॉइंट फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन बराबर नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है क्या ये 5.3 और 5.4 के बीच में कहीं होना चाहिए होना चाहिए हम करेंगे यहां पर मैग्नीफाइंग ग्लास करेंगे वो जासूस वाला लेंस नहीं होता है वो लेंस लगाएंगे इसको करेंगे और ज़ूम यहां पे क्या आ जाएगा 5.3 यहां पर क्या आ जाएगा 5.4 अब इसको भी ना हम और पार्ट्स में तोड़ते हैं कैसे तोड़ते हैं ये आ जाएगा मान लो 5.31 यहां पर आ जाएगा 5.32 तो कहीं 5.37 होगा ना 5.38 ये नंबर क्या है 5.5.3 और 4.7 तक जाना है हमको यहां पर देखो तो 5.37 तक तो हम पहुंच चुके हैं मतलब ये 5.37 और 5.38 के बीच में होगा तो कहीं यहां पर होना चाहिए राइट लेकिन अभी वहां तक नहीं पहुंचे फिर इसको यहां पर एक लेंस लगाएंगे इसको मैग्निफाई करेंगे अगला स्टेप क्या आएगा अगला स्टेप आएगा कि हम इसको और डेसिमल से एक डिजिट को हम बढ़ा देंगे क्या करेंगे We will do यहां पर 5. 377 और यह रहा 5. फिर इसमें हमको पता है फाइव पॉइंट थ्री सेवन और फाइव पॉइंट थ्री एट के बीच में सॉरी फाइव पॉइंट थ्री सेवन है और ये 5.38 हमने इसको मैग्नीफाई किया इसके बीच में क्या होगा और भी बहुत सारे लाइंस पॉसिबल हैं तो हम कौन से दो लाइंस की बात करेंगे 5.377 और 5.388 इसके बीच में क्या होगा इसके बीच में कहीं नंबर होना चाहिए इसको एक बार और हम मैग्नीफाई करेंगे 5.377 5.378 अब इसको फिर से हमने मतलब इसको सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के बाद हम उस जगह पर पहुंच सकते हैं ठीक है तो हर बार क्या करना है हर बार मैग्नीफाई करते जाना है अब इसको फिर से मैग्निफाई करेंगे तो अब क्या फाइव पॉइंट थ्री थ्री मतलब 4, 4, 7। और दूसरा हो जाएगा फाइव पॉइंट थ्री सेवन 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 एट इसके बीच में कहीं होगा राइट right. अब तुम्हें यहां पर यह दिख जाएगा अब इसको अगर दस पार्ट में डिवाइड करोगे वन ऑफ दीज वु फाइव पॉइंट थ्री ठीक है तो ऐसे सक्सेसिवली हम छोटे छोटे छोटे-छोटे को बड़ा करते जाएंगे ओके okay? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स मतलब अगर मैं दो रैशनल नंबर्स को ऐड करूं मतलब तो टू तो प्लस टू तो करूं तो मुझे रैशनल नंबर ही मिलेगा ना तो दो रैशनल नंबर्स को ऐड करने पे रैशनल को चलो मैं आर लिखता हूं रैशनल नंबर्स को प्लस करो सब्रैक्ट करो मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो यू विल ऑलवेज गेट रैशनल डिविजन बस ये करना कि हमको गलती से भी ना जीरो से डिवाइड नहीं करना जीरो से डिवाइड नहीं कर रहे हैं कुछ भी कर ले रैशनल नंबर्स को यू विल ऑलवेज गेट रैशनल नंबर्स ठीक है इन नंबर्स में टू प्लस रूट थ्री इसमें क्या हो जाएगा इेशनल नंबर को अगर हम प्लस करेंगे सॉरी इफ यू एड रैशनल नंबर एंड इशनल नंबर विल यू गेट बताओ रैशनल नंबर और इेशनल नंबर को हम अगर मल्टीप्लाई करें सॉरी एड करें तो एड करने पर हमें क्या मिलेगा क्या मिलेगा रैशनल और इेशनल को अगर ऐड करोगे तो यू विल ऑलवेज गेट इेशनल नंबर्स मतलब जैसे टू को तुमने ऐड किया रूट फाइव से या टू पे फाइव ऐड किया तुमने यू विल ऑलवेज गेट इेशनल नंबर्स सब्ट्रैक्शन में भी वही मिलेगा इेशनल मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा रैशनल और इेशनल को हमने मल्टीप्लाई किया मतलब जैसे टू मल्टीप्लाइड बाई रूट ये हमेशा क्या मिलेगा तुम्हें इेशनल डिविजन में भी क्या होगा फोर बाय सिक्स बाय पाई ये सब क्या हो जाएंगे इैशनल तो रैशनल और इेशनल पे अगर हम कोई ऑपरेशन करेंगे तो फाइनली हमें क्या मिलता है इैशनल नंबर मिलता है ठीक है और फाइनली आता है इैशनल एंड इशनल जैसे मान लो तुमने रूट टू और रूट फाइव को जोड़ा तो तुम्हें क्या मिल गया इेशनल लेकिन टू प्लस रूट टू भी इेशनल uh, नंबर है और टू माइनस रूट टू भी इेशनल है मैंने दोनों को प्लस किया तो मुझे रैशनल मिल गया तो यहाँ रैशनल या इेशनल कुछ भी मिल सकता है अगर मैं दो इेशनल नंबर्स को ऐड कर रहा हूँ तो करने पे भी सेम चीज हो सकता है हमें रैशनल और इेशनल दोनों मिल सकता है मल्टीप्लिकेशन में इेशनल है मान लो रूट थ्री और ये रूट फाइव तो हमने किया तो रूट दिस इज इेशनल लेकिन अगर मैंने दो इेशनल नंबर्स लिए जैसे मान लो मैंने रूट लिया और रूट एट लिया रूट सिक्सटीन मतलब 4, ये रैशनल हो गया तो प्रोडक्ट में भी क्या हो सकता है रैशनल या इेशनल दोनों आंसर हमें मिल सकते हैं डिवीजन सेम चीज रूट फोर बाय रूट सिक्सटीन अगर हम कर दें सॉरी रूट फोर तो इेशनल ही नहीं है अगर मैंने ऐसे टू रूट थ्री बाय रूट थ्री कर दिया तो मुझे रैशनल मिल जाएगा या फिर मैंने रूट सेवन कर दिया तो मुझे इेशनल मिल जाएगा इन तो सारे इस कॉलम में ही मुझे इरेशनल और रैशनल दोनों ही मिल सकते हैं ये कॉलम को देख लो अच्छे से स्क्रीन शॉट लेना मैं हट जाता हूं ठीक है कॉलम का चेक वेदर दीज आर इशनल नंबर रूट फाइव सेवन रूट फाइव क्या है सेवन रूट फाइव इज इशनल सेवन बाय फाइव सेवन बाय रूट फाइव क्या होगा सेवन बाय रूट फाइव भी इेशनल होगा क्योंकि सेवन रूट फाइव क्या है इट इज सेवन इंटू रूट फाइव रैशनल और इराशनल को हमने मल्टीप्लाई किया है तो हमें इराशनल मिलने वाला है सेवन बाई रूट फाइव क्या हो गया रैशनल और इराशनल को हमने डिवाइड किया है तो इराशनल मिलेगा रूट टू प्लस ट्वेंटी वन रैशनल और इराशनल को हमने एड किया है तो इराशनल मिलेगा पाई माइनस टू इराशनल को माइनस किया हमने रैशनल नंबर से इराशनल मिलेगा तो ये सारे क्या हैं इराशनल नंबर्स क्लियर है? फिर आता है, करो को। बहुत है। क्या करते हैं है। सबको ये पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो टू तो प्लस रूट टू प्लस रूट थ्री है ना नीचे इसको क्या करो टू माइनस रूट थ्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो बेसिकली तो ये दोनों तो दो हो जाएगा हमने से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर क्या आ जाएगा? 2 3 और नीचे क्या रहेगा टू प्लस तो क्या ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या आ जाएगा टू माइनस रूट थ्री डिवाइडेड टू माइनस रूट थ्री स्क्वायर सो द आंसर इज टू माइनस रूट थ्री इसमें ये रैशनल नहीं बन गया इसका डिनोमिनेटर रैशनल हो गया डिनोमिनेटर क्या हो गया नीचे फोर माइनस थ्री डिनोमिनेटर बिकम्स वन सो दिस इज टू माइनस रूट थ्री ठीक है फिर ये कुछ केसेस हैं क्या केसेस है भाई अब ये तो सबको पता होगा यहाँ पर क्या होता है दो नंबर्स को हमने अगर बेस सेम है इज कॉल्ड बेस बेस अगर सेम है तो मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या हो जाता है एड ए पे तो पावर एम उस पे मतलब पावर पे पावर चढ़ा दें तो पावर हो जाते हैं मल्टीप्लाई ठीक है भैया ए पे पावर एम बी पे पावर एम ए और भी यहाँ अलग अलग है तो एम और एम को एड मत कर देना ये हो जाएगा ए बी पे पावर एम ए पे पावर एम बाई एम पावर्स बी सब्रैक्टेड ठीक है और फाइनली, अच्छा ध्यान ध्यान से देखो अगर मैं टू पे पावर, अगर मैं टू पे पावर वन बाय टू लिख रहा हूं इसका मतलब ये क्या हो गया रूट टू अगर वन बाय में कभी पावर हो जैसे टू पे पावर वन बाय थ्री लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ टू ठीक है तो वन बाय पावर मतलब उतना हुआ रूट और राइट तो जैसे ये क्या होगा सेम चीज वही दिखा रहा है ए पी पावर एम बाय एम तो पहले क्या करेंगे इसको हम ए पी पावर वन बाय एन इनटू टू एम लिख सकते हैं तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा या फिर इसको ए पे पावर एम पहले चढ़ा दें वन बाय एन बाद में कर दें तो ये यहां पे आ जाएगा तो फॉर्मेट्स यहां पर चेंज हो सकते हैं जैसे इसमें मैं कुछ सवाल करता हूं बाकी तुम लोग ट्राई करोगे थर्टी पे पावर वन बाय फाइव थर्टी टू पे पावर वन बाई फाइव क्या हो गया थर्टी टू को हम लिख सकते हैं टू टू दाइव टू इंटू टू इंटू टू इंटू थर्टी टू क्या टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू पावर वन बाई फाइव बढ़िया कितना चढ़ गया टू पे पावर फाइव और ऊपर चढ़ा देंगे 1 by 5. बढ़िया। पावर पे पावर क्या होता है मल्टीप्लाई ना फाइव इंटू वन बाई फाइव तो 5 5 कट गया आंसर क्या आ गया 2 तो भैया ये 32 पे पावर 1/5 का आंसर हो जाएगा 2 ठीक है इसी तरह से 1 और 3 करके सब लोग कमेंट्स में बताओ मुझे इसका कोई भी रैंडमली चुनते हैं ये वाला चुनते हैं 25 पे पावर -1/3 चलो ये कलर लेते हैं 25 125 सॉरी तो ये पावर 1/3 तो माइनस कभी भी पावर है ना उसको हम क्या कर देते हैं एट दो तो तो पार माइनस एन है तो इसे क्या लिखते हैं वन बाय तो 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 इसे लिख देंगे हम वन बाय वन ट्वेंटी फाइव पावर वन बाय थ्री तो क्या हो गया फाइव 125। 125 का क्यूब रूट क्या है फाइव फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव तो आंसर क्या आ जाएगा वन बाय फाइव बढ़िया किसका आ गया वन बाय फाइव इसका आंसर आ गया वन बाय फाइव ठीक है बाकी ये जो तीन है इसको करके मुझे कमेंट से बताओ और नंबर थ्री नंबर थ्री क्या है सिंपलीफाई इसको करना है सिंपलीफाई कैसे करें सिंपलीफाई मान लो इसको करते हैं राइट देखते हैं क्या आता है सिंपलीफाई किसको करना है 11 पे पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 11 पे पावर 1/4 तो 11 11 तो सेम है तो बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगे सबट्रैक्ट 1 by 2 minus 1 by 4. तो क्या हो गया ये इलेवन पे पावर वन बाय फोर दिस इज दिम्पलीफाइड फॉर्म इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो फोर्थ रूट ऑफ पर ठीक है ऐसे भी लिख सकते हैं छोड़ सकते हैं बढ़िया ओके okay. तो आई होप सभी लोग इस चैप्टर को पढ़ के थोड़ा सा सबको मजा आया होगा एंड इस चैप्टर के नोट्स अगर डाउनलोड करने हैं तो डाउनलोड कर लो वहां पर इसके नोट्स मिल जाएंगे तुम्हें और मैं बहुत जल्दी वहां पर प्रैक्टिस शीट्स और फ्री टेस्ट भी वहां पर डालने वाला हूँ अपने फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को जरूर पहुंचाना सो so दैट सबको बेनिफिट हो सके और जितने सारे लोग आएंगे हमें उतना सारा कंटेंट बनाने में मजा आएगा और हम उतने सारे लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं उनके डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं और पता है डाउट्स को सॉल्व करके तुम जितनी चीजें सीखोगे ना वो ऐसे नहीं सीख सकते मैं जब किसी के डाउट सॉल्व करूंगा ना तो तुम्हें लगेगा अच्छा ये क्वेश्चन तो मैं भी पूछ सकता था

राइट right, और अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में जरूर बताना वेट करना बहुत जल्दी इसका चैप्टर नंबर टू आने वाला है ठीक है थीके? तो बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर के नोट्स अच्छे से कर लेना और क्वेश्चन जो इस चैप्टर के एन के हैं उसको सॉल्व करना शुरू कर सकते दैट्स इट फ्रॉम साइड